कासगंज कांड का मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर मोती सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज यानी 21 फरवरी के तड़के एक एनकाउंटर में मार गिराया। मोती सिंह पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम भी रखा था। आपको बता दें कि 9 फरवरी को कासगंज के सिड़पुरा थाना क्षेत्र के गांव नगला धीमर में शराब माफिया मोती और उसके सहयोगियों द्वारा पुलिस पर हमला किया गया था, जिसमें सिपाही देवेंद्र सिंह की मौत हो गई थी, जबकि एक दरोगा अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। कासगंज के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर ने आज सुबह पत्रकारों को बताया कि 1,00,000 रुपए के इनामी मोती की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित की गई थी। सोनकर के मुताबिक बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोती अपने साथियों के साथ करताल रोड काली नदी के पास जंगल में छिपा है। पुलिस टीम ने भोर में 2:30 से 3 बजे के बीच घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें नगला धीमर थाना सिड़पुरा निवासी मोती की गोली लगी और वो घायल हो गया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि घायल मोती को पुलिस वाहन में इलाज के लिए प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र सिड़पुरा ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल कासगंज रेफर किया गया और वहां चिकित्सकों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। सोनकर ने बताया कि बदमाश के पास से दरोगा से लूटी गई सरकारी पिस्तल, खोखा, जिंदा कारतूस और 315 बोर का एक तमंचा बरामद किया गया है। बदमाश के शव का पंचायतनामा भरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बीती 9 फरवरी को जिले के थाना शिड़पुरा पर तैनात दरोगा अशोक कुमार और सिपाही देवेंद्र सिंह वांछित अभियुक्त की तलाश के लिए क्षेत्र में गए हुए थे। तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम नगला धीमर कटरी में कुछ लोग अवैध भट्टी चलाकर कच्ची शराब का बना रहे हैं। इसके बाद सूचना के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों द्वारा दबिश की गई, तो बदमाश मोती व उसका भाई एल्गार और उसके अन्य साथियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि इस हमले में दरोगा अशोक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और सिपाही देवेंद्र की मौत हो गई। बदमाश दरोगा अशोक कुमार की सरकारी पिस्तल और कारतूस भी लूट कर ले गए थे। इस वारदात के बाद अभियुक्त मोती की गिरफ्तारी के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इससे पहले 9 फरवरी की रात को ही पुलिस ने मोती के भाई एल्कार को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।